हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करेंगे इम्तियाज़ अली डायरेक्टेड अमर सिंह चमकीला मूवी को, स्टारिंग दिलजीत दोसांझ एंड परिणीति चोपड़ा। तो आइए शुरू करते हैं द प्लॉट। वेल, जैसा कि नाम से जाहिर है, यह मूवी बेस्ड है ऑन वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पंजाबी सिंगर्स अमर सिंह चमकीला और उनकी वाइफ अमरजोत कौर पर। अमर सिंह चमकीला, जिनका रियल नेम धनी राम था, उनका जन्म एक दलित परिवार में बहुत ही मुफलिसी में हुआ। वहाँ से उठकर 1980s में पंजाब का सबसे डिमांडिंग सिंगर बनकर उभरना और कैसे उनके गाने ही उनकी मौत का कारण बने, यह है कहानी अमर सिंह चमकीला मूवी की। डायरेक्शन, जब इम्तियाज़ अली डायरेक्टर सीट पे हों और ऐसी हार्ड हिटिंग मूवी बना रहे हों तो देर इज़ नो सरप्राइज इफ़ इट टर्न्स आउट टू बी अ मास्टरपीस। वेल, अमर सिंह चमकीला एक कॉन्ट्रोवर्शियल सिंगर थे, क्योंकि एक तरफ उनकी काफ़ी सॉन्ग्स इलिसिट अफेयर्स पर आधारित थे जो कि काफ़ी पॉपुलर भी हुए, और दूसरी ओर उनके रिलीजियस एल्बम्स भी इक्वली हिट हुए। इम्तियाज़ अली की ये मूवी ना तो चमकीला जी को सही ठहराती है, ना तो उनके एक्शंस को जस्टिफाई करती है, और ना ही उन्हें गलत साबित करती है। द ब्यूटी ऑफ दिस मूवी इज दैट इट इज़ अ स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म, और ये स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ही इस मूवी को एक मास्टरपीस बनाती है। सम सीन्स इन दिस मूवी आर सो ग्राउंडेड येट सो टचिंग। एक सीन है जहां चमकीला एक रिपोर्टर से कहते हैं, सही गलत सोचने की मेरी औकात नहीं है, मैं बहुत छोटा इंसान हूं, मुझ जैसे को तो बस जैसे तैसे जिंदा रहना है। ये इम्तियाज़ अली का ब्रिलियंस ही है कि उन्होंने चमकीला के कैरेक्टर साइकी को इतनी डेप्थ में समझा, क्योंकि वाकई में चमकीला जी सिर्फ वही गाने गाना चाहते थे जो ऑडियंस सुनना चाहती थी। इस मूवी का हर फ्रेम, द यूज़ ऑफ एनिमेशन एंड द इंक्लूजन ऑफ ओल्ड ओरिजिनल पिक्चर्स ऑफ चमकीला एंड अमरजोत परफॉर्मिंग इनटू द स्क्रीन प्ले, ये इम्तियाज़ अली का ब्रिलियंस है। आप इम्तियाज़ अली की मूवीज़ में एक रूहानियत देखते हैं, चाहे वो तमाशा हो या फिर रॉकस्टार, वही रूहानियत आपको अमर सिंह चमकीला में भी दिखेगी। दिस इज़ द परफेक्ट कमबैक फॉर इम्तियाज़ अली। टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंसेस, दिलजीत दोसांझ प्लेज द रोल ऑफ चमकीला पूरी सिंसेरिटी और डेप्थ के साथ। पता नहीं कैसे, बट दिलजीत इज सक्सेसफुल इन ब्रिंगिंग ऑल द इमोशंस इन हिज आईज। पहली बार उन्हें स्टेज पे गाने का मौका मिलने पर उनकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वहीं व्हेन ही इज थ्रेटन्ड फॉर सिंगिंग वल्गर सॉन्ग्स, द काइंड ऑफ फियर इन हिज आईज, और ये सब होते हुए भी आंखों में एक खालीपन। दिलजीत ने इतनी खूबसूरती के साथ ये कैरेक्टर निभाया है कि कुछ मोमेंट्स में लगता है कि ही वॉज लिविंग द कैरेक्टर ऑफ चमकीला। उनकी पंजाबी लैंग्वेज पे कमांड, उनके स्टेज प्रेजेंस, उनकी सिंसेरिटी, एवरीथिंग वर्क्स इन हिज फेवर इन दिस फिल्म। परिणीति चोपड़ा एज अमरजोत कौर इज प्योर मैजिक। उनकी परफॉर्मेंस में एक ठहराव है जो परिणीति की प्रीवियस मूवीज में हमें देखने को कभी नहीं मिला। अमरजोत कौर के रोल में परिणीति वॉज अ परफेक्ट कास्ट बिकॉज ऑफ हर लुक्स एंड द वे शी इम्बाइब्ड द कैरेक्टर। सपोर्टिंग कास्ट ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया है एंड दे हैव हेल्प्ड टू मूव द स्क्रीन प्ले अहेड इन द बेस्ट पॉसिबल वे। स्पेशल मेंशन टू अंजुम बत्रा एज टिक्की, ही वॉज डैम गुड। द म्यूजिक इज सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस मूवी, और वो काफी ऑब्वियस भी है। AR रहमान जी हैज डन अ फैबुलस जॉब। उनका म्यूजिक इस मूवी में चमकीला के कैरेक्टर को एक डेप्थ देता है। इश्क मिटाए जहां एक पेपी नंबर है, वहीं इट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द स्टेट ऑफ अफेयर्स इन द स्टेट दैट टाइम। मैं हूं पंजाब इन द कोरस ऑफ दिस सॉन्ग इज एग्जैक्टली आइसिंग ऑन द केक। नर्म कालजा बहुत ही एप्ट सॉन्ग है टू डिपिक्ट द ईयर्स ऑफ सप्रेस्ड डिजायर्स ऑफ वुमेन, बट मेरा फेवरेट है अरिजीत सिंह द्वारा गाया हुआ विदा करो। वेल, ये गाना इरशाद कामिल जी ने इतना बढ़िया लिखा है कि यू विल हैव टीयर्स इन योर आईज जब आप ये मूवी में देखेंगे। आवर टेक, वेल, अमर सिंह चमकीला को इम्तियाज़ अली जी ने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ बनाया है। इतने कॉन्ट्रोवर्शियल किरदार को बहुत ही सहजता से स्क्रीन पे उतारा गया है विदाउट ऑफेंडिंग एनीवन। वेल, ये फिल्म बाकी बायोपिक्स से इसलिए भी अलग है क्योंकि इस मूवी में इम्तियाज़ अली अलग अलग लोगों का पर्सपेक्टिव दिखाते हैं अमर सिंह चमकीला जी के बारे में, और ये करते वक्त वो उन्हें बिल्कुल भी ग्लोरीफाई नहीं करते। इफ दिलजीत इज द सोल ऑफ द फिल्म तो परिणीति इज वॉट ब्रिंग्स लाइफ टू दिस सोल। अमर सिंह चमकीला एक बहुत ही कैप्टिवेटिंग मूवी है, और ये आपको और हमें एज अ सोसाइटी आईना दिखाने का काम करती है कि हम सब कितने हिपोक्रेटिक होते जा रहे हैं। आपको ये मूवी बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड गुड बाय।